आज 14 मई 2020 है। सबसे पहले शुरुआत बिस्मिल्लाह पढ़ने से करें। आज के वीडियो में हम यूएई और दुबई के बारे में बात करेंगे कि आज क्या चल रहा है, इस पर नवीनतम अपडेट क्या है। आज हम यूएई की हेडलाइन के बारे में बात करेंगे। एक, कोरोना वायरस। भारतीय पीएम मोदी ने अर्थव्यवस्था के लिए 20 खरब रुपए के विशेष पैकेज की घोषणा की। यह राशि देश की जीडीपी का 10% है, प्रधानमंत्री ने कहा। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश के लिए आत्मनिर्भर होने और कोविड-19 के साथ निपटने के लिए 20 ट्रिलियन के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की। मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा करता हूँ। यह अतिमानवीर भारत अभियान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा, कोविड-19 को लेकर सरकार द्वारा की गई घोषणाएं, आरबीआई के फैसले और आज का पैकेज 20 ट्रिलियन रुपए है। यह भारत की जीडीपी का 10% है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मानवता कोरोना वायरस से हार नहीं मानेगी, लेकिन लोगों को सुरक्षित रहना होगा और आगे बढ़ना होगा। हमने पहले कभी इस तरह के संकट के बारे में नहीं देखा या सुना है। यह निश्चित रूप से मानव जाति के लिए अकल्पनीय है। यह अभूतपूर्व है, लेकिन मानवता इस वायरस से हार स्वीकार नहीं करेगी। हमें न केवल अपनी रक्षा करनी होगी, बल्कि आगे बढ़ना होगा। दो, 3,525 नए मामलों के साथ भारत में कोरोनावायरस 74,281 तक पहुंच गया है। कुल मामलों में से 47,480 सक्रिय हैं और 2,415 अब तक घातक हैं, जबकि कम से कम 24,385 लोग इस बीमारी से उबर चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि पिछले 24 घंटों में 3,525 नए मामलों के साथ भारत में कोविड-19 रैली 74,281 तक पहुंच गई। कुल मामलों में से 47,480 सक्रिय हैं और 2,415 अब तक घातक हैं, जबकि कम से कम 24,385 लोग इस बीमारी से उबर चुके हैं। तीन, कोरोना वायरस। भारतीय ट्रेनें कोविड-19 उछाल के बावजूद फिर से लुढ़कने लगती हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि शुरुआती 30 सेवाओं के लिए 54,000 से अधिक टिकट सोमवार को 3 घंटे के भीतर ऑनलाइन बिक गए। दुनिया के सबसे बड़े कोरोना वायरस लॉकडाउन की क्रमिक लिफ्टिंग के रूप में भारत के विशाल रेलवे नेटवर्क में अंतरिम रूप से मंगलवार को तेजी आई। नए मामलों में भी तेजी आई। 1.3 बिलियन के देश ने मार्च के अंत में एक सख्त बंद लागू किया था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने लगभग 2,300 मौतों के साथ मामलों को मामूली 70,000 तक रखने का श्रेय दिया है। लेकिन लॉकडाउन, जो बुधवार को अपने 50वें दिन में प्रवेश करता है, ने अर्थव्यवस्था को छेड़ा है, लाखों लोगों की आजीविका को छीन रहा है और गरीबों को सबसे कठिन मार रहा है। चाय बागानों से लेकर डायमंड पॉलिशिंग तक के पूरे उद्योग तबाह हो गए हैं और खाने की कमी की आशंका है, जबकि उड़ानों पर प्रतिबंध से विदेशों में फंसे हजारों भारतीयों को छोड़ दिया गया है। प्रतिबंधों को लगातार कम किया गया है। हालांकि विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में और कुछ भारतीय ट्रेनों में एक नेटवर्क पर जो सामान्य रूप से 20 मिलियन से अधिक यात्रियों को एक दिन में ले जाता है, मंगलवार को फिर से शुरू किया गया। तो यह था भारत का नवीनतम अपडेट। अगर आप हमसे प्यार करते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप